स्वागत है आप सभी का इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। सभी लोग जुड़ जाइएगा। आज जो आपका टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर्स है, ठीक है, जो कि आपके पेपर में पता है स्टैटिक जीके का, जो ये पेट वाला आपका पोर्शन है, ठीक है, पेट में स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है, एक आपका टॉपिक है ये। यहाँ से आपको चाहे करंट ले लो, चाहे आप पारंपरिक जो पेपर आते हैं, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन तो 100% आना है। और अगर आपसे एक यहाँ से आएगा और टॉपिक, और एक आपके करंट वाले सेक्शन से आएगा, मतलब दो आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे टोटल आपके पेट के पेपर में, मतलब ये संभावना है, ठीक है। एक तो 100% बनेगा। अब दूसरे की बात है कि मतलब अगर करंट से भी एक क्वेश्चन उठाएगा, जैसा कि करंट में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ये सब, तो एक आपके करंट से, मतलब ये दो क्वेश्चन के चांसेस आपके यहाँ से बनते हैं। तो हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे बिल्कुल भी। आप लोगों को मतलब धैर्य रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इशू हो गया था, मैं जैसा कि मैंने बताया था, थोड़ा सा नेट इशू आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल, प्रांसी जी, विशाल जी, राजन जी, दीक्षा जी, ब्लेड गेमिंग जी, सभी का स्वागत है। हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप ये देख सकते हो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी है, जिसपे आप UPSC UPSSSC की तैयारी आप हमारे साथ कर रहे हो। आपको जो बच्चे नए हैं, वो भैया ऐप जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है, वो कृपया आप प्ले स्टोर पर जाएँ, या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा मेरी प्रोफाइल, तो वैसे भी आपको पिन दिख रही होगी ना। तो आप यहाँ पे जाएं और आप स्टार्ट, यहाँ पे देखा होगा गेट स्टार्टेड है, आप यहाँ पे नंबर डालिए, लॉग इन करिए, ठीक है। और यहाँ पे UPSC UPSSSC कैटेगरी आप ज्वाइन करके आप क्लास कर सकते हैं, ठीक है। भैया कमेंट्स आपके नहीं आ रहे, एक बार थोड़ा सा कमेंट्स करना तो, ठीक है। मुझे लगता है थोड़ा सा एक बार आपके कमेंट्स की आवश्यकता लग रही है मुझे। चलिए, हाँ अब ठीक है, अब आपके कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। राजन जी, थोड़ा सा इवेंट्स में था और नेटवर्क इशू था, बार बार वो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा था वहाँ पे, ठीक है। जो हम लोग आगे जो स्टार्ट करते हैं, नेटवर्क इशू था थोड़ा सा। शिवानी जी नमस्कार, आराम से अनअकैडमी एडवांटेज की आपकी बात कर सकते हो। मैं तो भैया तब से बैठा ही रह गया, मैं तो सोच रहा हूँ कि अब आएगा अब आएगा, नेटवर्क इशू था थोड़ा सा। मीनू जी स्वागत है, आराम से कहीं पे भी बैठ के आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। आराम से बेस्ट एजुकेटर से पढ़िए भैया, मौका लीजिए, बेस्ट मल्टीपल आपको जो है कोर्सेज आपको मिलेंगे। और आपको एक चीज़ और भी पता है कि आपको स्ट्रक्चर, आपको पेडोगॉजी सिलेबस के हिसाब से चीज़ें मिलती है। ग्रेट मौर्या जी स्वागत है यार, आपका नाम ग्रेट है कि आपने मतलब तो लिखा है ऐसा, ठीक है। वर्कशॉप भी आपको कराया जाता है, अनलिमिटेड क्विजेस, ठीक है। क्विजेस वाला तो बहुत जबरदस्त दिया करो, ये तो भैया बिल्कुल भैया PDF मटेरियल, और आपको पता है मल्टीपल आपके जो टीचर सेशन होता है, डाउट क्लियरिंग सेशन, वो भी आपको कराया जाता है, ठीक है। UPSC UPSSSC भी आप बहुत अच्छे से जा रहे हैं। 24 महीने पे आपको 3 महीने का SSC भी मुफ्त दिया जा रहा है, 12 महीने पे आपको 2 महीने का UPSC भी फ्री दिया जा रहा है। फतेह UPPCS स्कॉलरशिप टेस्ट की बात करते हैं, तो सर ये आपको, ये देख सकते हैं आप स्कॉलरशिप टेस्ट, GS के 150 MCQs मिलते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। पर शिखर टेस्ट सीरीज आप ये देख सकते हो, ठीक है। शिखर टेस्ट सीरीज की बात है, ये आप ज्वाइन करिए और किया करिए, ठीक है। RO प्रे बूस्टर आपको दिया जा रहा है फ्री टेस्ट, UP पुलिस SI फ्री टेस्ट सीरीज, ठीक है। लक्ष्य आपको PCS प्रीलिम्स बूस्टर भी आपको दिया जा रहा है, ठीक है। एंड आपके प्रारंभ लोअर PCS का और आपको प्रगति लोअर PCS का, ये सभी आपको टेस्ट कराए जाएंगे। तो आप बिल्कुल बैच एनरोल करें, प्लस पे आएँ और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। चलिए शुरू करते हैं, नोबल प्राइज की बात करते हैं। पहले आपको थ्योरी कराऊंगा, फिर थोड़ी ही देर में आपको MCQs में कराऊंगा। किसी को कोई समस्या होगी तो बता दीजिएगा। ममता जी स्वागत है आपका। चलिए बिल्कुल, देखो नोबल प्राइज की बात करते हैं। आपको पता है दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, आर प्रिया जी स्वागत है, ठीक है। बस हम लोग थोड़ी देर में MCQs भी करेंगे इसके, ठीक है। मतलब एक नंबर वहां का, एक नंबर आपको मतलब पक्का यहाँ से निकालूंगा, 1 घंटे में एक नंबर फिक्स। आपको पता है मोस्ट कॉन्वेटेड इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सर दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इसका PDF भी हम आपको भेज देंगे, ठीक है। ग्रुप में PDF भी भेज देंगे। आयुषी जी स्वागत है आपका, ठीक है। दूसरी चीज कि सर ये किसके द्वारा, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल, जो कि डायनामाइट के भी आविष्कारक हैं, इनके द्वारा स्थापित किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, ये आपके पेपर में जानते हो पेपर में पूछा जाता है। दूसरी चीज़ ये आपके, ये साइंस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल विशाल जी स्वागत है आपका, कि सर डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, ठीक है। यह पुरस्कार आपको पता है, हमेशा सभी को पता होगा, 10 दिसंबर इनके क्या पूर्ण तिथि पे दिया जाता है, ये सभी को पता होगा 10 दिसंबर को सर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, हाँ डायनामाइट के लिए पूछा जाता है, बिल्कुल।
आपको बोलते हैं नोबल पुरस्कार बेसिकली 6 फील्ड्स में दिया जाता है, जैसा कि आपने देखा था, मैंने जब आपको प्रैक्टिस भी कराया था, आपसे पिट में आया हुआ क्वेश्चन था कि नोबल पुरस्कार कितने फील्ड में दिया जाता है। ये जो आज आपकी क्लास है ना, बिल्कुल पेपर ओरिएंटेड क्लास है, वैसे भी मेरी सारी क्लासेस पेपर ओरिएंटेड ही रहती हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको बताएं तो ये किसमें सर, फिजिक्स के क्षेत्र में, ठीक है, बिल्कुल, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में, लिटरेचर एंड इको। अच्छा एक बात और, नोबल प्राइज के जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो जिस किसको किसको मिला हुआ है, वो मैं आपको एक दिन क्लास रख के करवा दूंगा, ठीक है। जो भी होगी 15-20 मिनट की क्लास, वो एक दिन मैं करा दूंगा, या हो सकता है अगर हम एनालिसिस कराने लगेंगे उसकी, तो आपको 1 घंटा चला जाएगा, ठीक है, मैं एक दिन करा दूंगा। इकोनॉमिक्स में 1968 में जोड़ा गया, बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के अलावा, अगर हम बात करते हैं तो देखो, जैसे अगर हम यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ, सभी श्रेणियों में कब से दिया जा रहा है, 1901 से दिया जा रहा है, ठीक है। अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो 67 में स्थापित किया गया था, और पहली बार 67 में, जैसा कि 68 भी आपने बोला, ठीक है, तो 67 में अगर तौर पे देखा जाए तो 67 में स्थापित किया गया था, पहली बार कब दिया गया था सर, तो 1969 में दिया गया था। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। चलो ये देखते हैं, कुछ हम लोग कुछ फील्ड है जिनका फेमस से पूछा जाता है, भारत से संबंधित, भारत के रिस्पेक्टिव जिसे आप कह सकते हो, तो वो सर क्या होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं सर, लिटरेचर से संबंधित, 1913 सर, ठीक है। सीवी रमन की बात करते हैं, फिजिक्स से संबंधित, 1930। ये क्वेश्चन आपसे 100% पेपर में आने ही आने हैं। इस्लामुद्दीन शेख जी, भैया मैंने अभी आपसे क्या बोला, ये मैं आपको बाबू स्टैटिक का पोर्शन बता रहा हूँ, ये मैं आपको स्टैटिक जी की अभी करा रहा हूँ, और आपका जो करंट वाला पोर्शन है, वो करंट वाला पोर्शन ये अलग होता है। इसमें अभी आपको खेल का भी कराना है, ठीक है, इसमें अभी आपको मुझे कराना है सारी चीजें, ठीक है, पुरस्कार भी कराने हैं, ये भी स्टैटिक का टॉपिक है, शायद आपने हेडिंग को ध्यान से नहीं देखा, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं सर, मदर टेरेसा की बात करते हैं, ये पीस है आपका, ठीक है, और ये 1979 में दिया गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा टॉपिक के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, जो टॉपिक आपका मैं मेंशन किया हूँ। अमर्त्य सेन की बात करते हैं, इकोनॉमिक स्टडीज की, 1998। अगर आप रेगुलर रहते हो तो मैं बाकी भी आपको कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप लोग, ठीक है। शाह जी स्वागत है आपका। कैलाश सत्यार्थी को पीस के 2014। ये कुछ महत्वपूर्ण है जो पेपर में आपसे बार बार पूछे जा चुके हैं, तो रट लीजिएगा इसको एकदम। ये आपका मात्र स्टैटिक का पोर्शन है, क्योंकि आपको स्टैटिक कंप्लीट आज करा दिया मैंने, मतलब करा दूंगा। मैग्सेसे अवार्ड की बात करते हैं, देखो पेपर में आपको भी याद हो रहा होगा, पेपर में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है, सर ये मैग्सेसे अवार्ड दिया किस में जाता है, ठीक है। तो पहली बात, स्थापित किसके द्वारा कब किया गया था, 1957 में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा सर, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर इसको स्थापित कर दिया गया था, ठीक है। यह पुरस्कार कब दिया जाता है सर, 31 अगस्त को यह पुरस्कार दिया जाता है, मतलब अगर 31 अगस्त के बाद अब आपका जो पेपर होगा, मतलब मान के चलिए पीसीएस और आरओ यारो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं सर ये दिया क्यों जाता है, तो सर ये सार्वजनिक सेवा, मतलब सर कह सकते हो पब्लिक सर्विस के लिए, सामुदायिक नेतृत्व, कम्युनिटी लीडरशिप के लिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य और रचनात्मक कला और अंतर्राष्ट्रीय समझ में इसको, हाँ बिल्कुल, यहाँ तो लिखा है ना, बिल्कुल अभय जी भैया स्वागत है आपका, यहाँ लिखा तो है मैंने, बिल्कुल पत्रकारिता मैंने लिख तो दिया है, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय समझ जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, इन सभी के लिए ये योगदान दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन पेपर में आपसे क्या पूछेगा, तो आपसे पेपर बेटा, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, यही आपसे इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्पज से, यही पूछेगा। मंजे जी भैया स्वागत है, कि एशिया का नोबल पुरस्कार किसे माना जाता है, ये आपका सबसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एशिया का नोबल पुरस्कार किसे माना जाता है, तो आप बताओगे सर मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबल पुरस्कार माना जाता है। वैसे गुड आफ्टरनून, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने बोला ना कि अंतरराष्ट्रीय सूझबूझ के लिए, समझ के लिए, तो मैग्सेसे तो था ही, और साथ साथ जवाहरलाल नेहरू अवार्ड भी आपको प्रदान किया जाता है, ठीक है सर। ये कब बना था,
ठीक है। तो सर ये आपके 1965 में किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था 1965 में। अभी इसका एमसीक्यूज आपको कराएंगे, परेशान न होना, ठीक है। सर दुनिया के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझ और सद्भावना में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों को प्रतिवर्ष ये दिया जाता है, ठीक है। चल ऑस्कर अवार्ड्स की बात करते हैं, जैसा कि ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पीसीएस में एंड आरओएआरओ में और एसएससी में एक क्वेश्चन आपको यहां से आना ही आना है ऑस्कर अवार्ड से संबंधित, ठीक है। भाई आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, क्यों, बड़ा शांति का माहौल बना है, क्या हुआ, तबीयत वबीयत तो सभी की ठीक है, चलिए ठीक है। चल तो हम देखते हैं इंस्टीट्यूटेड इन 1929, ये कब सर हुआ था, 1929 में इसको आपको स्थापित किया गया था। कॉन्फर्ड एनुअली बाय द एकेडमी मोशन पिक्चर्स, किसके द्वारा, बिल्कुल, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स द्वारा प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है, ठीक है। मुझे देख नहीं रहे होंगे कौन, चलिए, फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय भानु अथैया, लो भैया अब सुन लो, कौन मूवी थी भैया, गांधी थी, ठीक है। पहले आपको पूछना गया है भारतीय, पहले भारतीय, ये सब देखो स्टैटिक का एकदम पेटेंट क्वेश्चन है, अगर अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपसे पूछा गया है तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भानु अथैया को सबसे पहले पुरस्कार, भारतीय ऐसे हैं जिनको फिल्म और दिया गया था ऑस्कर, वो गांधी मूवी के लिए दिया गया था, ठीक है, लॉर्ड ऑफ द रिंग है, बहुत अच्छे। हाँ एक बात और, आपका मैंने एक टेस्ट का क्लास रखा है, चलिए मैं आगे समझा देता हूँ अभी आपको। चलिए एक चीज और देखते हैं सर, ये सत्यजीत रे की अगर हम बात करते हैं, सत्यजीत रे की बात करते हैं, फर्स्ट इंडियन अवार्डेड ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, अगर हम लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करें, आजीवन उपलब्धियों की अगर हम बात करें, तो सर ये 1992 की बात है, सत्यजीत रे को दिया गया था, ठीक है, बिल्कुल। बस अभय जी अभी एमसीक्यूज कराएंगे आधे घंटे बाद, आधे घंटे क्या हो सकता है, थोड़ी देर बाद ही करा दें, जैसे ये कंप्लीट होगा तुरंत एमसीक्यूज पे हम आ जाएंगे, ठीक है। चलिए और आज आपका मैंने 10 बजे ऐप वाली क्लास में, मैं आपको बता दूं, वैसे मैंने आपको शायद भेज भी दिया है, शायद नहीं भेजा अभी ना, 10 बजे आपके ऐप क्लास में आज आपका जीएस प्लस करेंट प्लस आप कह सकते हो सर स्टैटिक, इसके आपको 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है, तो आप लोग महीने का आज लास्ट है, तो थोड़ा सा इसको करके अपनी तैयारी को देख सकते हैं, राधे राधे भैया, ठीक है। यूनेस्को पीस प्राइज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हाँ आज महीने का लास्ट भी है, तो थोड़ा सा ऐप पे रात में 10 बजे आओ और आप मॉक टेस्ट पूरे 50 क्वेश्चन, जैसा कि पता है 30 क्वेश्चन जीएस के आने हैं, 10 क्वेश्चन करेंट के आने हैं, 10 क्वेश्चन स्टैटिक के आने हैं, तो आप वहां करके अपनी तैयारी को बेहतर देखें एक बार। चलिए यूनेस्को पीस प्राइज की अगर हम बात करते हैं, तो ये किसके द्वारा, आपको पता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, मतलब यूनेस्को प्राइज है तो भैया यूनेस्को द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल अभय जी भैया बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए असाधारण योगदान के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के मतलब कंट्रीब्यूशन के लिए आपको दिया जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। पुलित्जर प्राइज की हम बात करते हैं सर, तो पुलित्जर प्राइज की सर हम अगर बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है सर, पहली बात ये किसके द्वारा सर, 1917 से दिया जा रहा है, जोसेफ पुलित्जर द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा सर, 1917 में स्थापित किया गया था, अमेरिकी प्रकाशक जिनका नाम था क्या, प्रकाशक जिनका नाम था जोसेफ पुलित्जर के नाम पर, ये आपसे पूछा जाता है, किसके लिए सर, पत्रकारिता साहित्य और संगीत में उपलब्धियों के लिए, आपको पता है पेपर उठा के कभी देखना प्रीवियस ईयर में, हाँ ये आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जानते हो कैसे, कि इनमें से कौन सा पुलित्जर प्राइज किसके लिए दिया जाता है, पहला लिखा था पत्रकारिता, ठीक है, दूसरा लिखा गया था साहित्य, क्वेश्चन को समझिएगा, तीसरा लिखा गया था संगीत और चौथा लिखा गया था सभी, तो यहाँ पे जब ये पेपर में क्वेश्चन आया था, और ये आपके पेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, पूछा गया था, तब कुछ लोगों ने सिर्फ पत्रकारिता मार के आए थे पेपर में, ठीक है, कोई बात नहीं भैया कोई बात नहीं आशीष जी, तो पेपर में आपसे पूछा गया तो आप ऑप्शन क्या लगाओगे, सभी, ठीक है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। चलिए
राइट लाइवलीहुड अवार्ड जिसे कहते हो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सर? लंदन द्वारा 1980, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट मैंने डाल दिया है, 1980 में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? नोबल पुरस्कार के रूप में जाना जाता, वैकल्पिक मतलब जिसे क्या है कि अल्टरनेटिव नोबल पुरस्कार के रूप में इसे जाना जाता है, पर्यावरण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बढ़ावा के लिए इसको दिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है फिर भी याद कर लो, पर्यावरण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में इसे दिया जाता है, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी पीस प्राइज, ये एक अच्छा है तो थोड़ा सा इसको आप देखेंगे, महात्मा गांधी पीस प्राइज, देखो स्थापना ये थोड़ा सा एक बार याद करिएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, 1995 में, भैया अगर पिताजी की बुआ है तो कम से कम उम्र होगी 80 साल तो रही होगी ना, 1995 में भारत सरकार द्वारा स्थापित, भारत सरकार द्वारा स्थापित, ठीक है। चलिए, इस नोबेल पुरस्कार की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल पीस फॉर द लाइन्स ऑफ नोबेल प्राइज। चल, यूनेस्को ह्यूमन राइट्स अवार्ड, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सर, क्या हुआ, नायर फर्स्ट विनर, बिल्कुल बिल्कुल, जूलियस नायर। चल, अगर यूनेस्को की बात करते हो तो भैया जाहिर सी बात है यूनेस्को द्वारा दिया जाएगा, किसमें ह्यूमन राइट्स लिखा हुआ है, तो ये तो जो दिमाग से बिल्कुल बेवकूफ होगा वो भी बता देगा सर, ह्यूमन राइट्स की जागरूकता के लिए, ठीक है। ये हर हर वर्ष नहीं दिया जाता है, अल्टरनेटिव ईयर दिया जाता है, अल्टरनेटिव एक साल छोड़कर, ठीक है। चलिए, ये दे दो भैया मैन बुकर प्राइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन बुकर प्राइज, ये बहुत पूछता है पेपर में आपके, पीसीएस में तो खासकर, सभी लोग अपने कोमल हाथों से, कोमल हाथों से क्या करना, नयन से नहीं, हाथों से, बिल्कुल अपने नयन से नहीं करना है, हाथों से आपको लाइक करना है, ठीक है बाबू। चल, बिल्कुल चल, तो अगर हम मैन बुकर प्राइज की बात करते हैं सर, ब्रिटिश, आयरिश और अंतर्राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों को सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है ये, ठीक है। इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1969। भैया इतना मेहनत करके आपको एकदम एनिमेटेड तरह की चीजें लाते हैं, फिर भी बताओ कैसे काम चलेगा आपका, ठीक है, 1969। अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करें सर, तो मैन बुकर की अगर हम बात किया जाए, तो मैन बुकर पुरस्कार के रूप में पुनर्नामित प्रयोजन के रूप में मैन ग्रुप एक क्या है, अंतरराष्ट्रीय आपको क्या है सर, स्टॉक ब्रोकर ये संस्था है, मैन ग्रुप करके जिसे कहते हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप स्पॉन्सरशिप के तहत जो इसको करता है, ठीक है। चलो, ह्यूमन राइट्स अवार्ड, ठीक है, हाँ ये वाला थोड़ा सा एक क्वेश्चन मुझे लगता है इन्होंने आगे छोड़ दिया, ठीक है। ये आपका प्रेजेंटेड एवरी 6 ईयर, ये जो अगर ह्यूमन राइट्स अवार्ड की बात करते हैं, ये यूएन वाली बात है, ठीक है, वो यूनेस्को का था, ये यूएन का था, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का था, आपको पता है ह्यूमन राइट्स अवार्ड, लेकिन ये अब आप देखो दो जगह गलत करोगे, यूनेस्को जो ह्यूमन राइट्स था आपका कितना अल्टरनेटिव, बट सर यूएन वाला आपके हर 6 साल में दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अभी ये क्लास में करंट का मॉक हो रहा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रांशी जी, तो क्या हुआ, ठीक है, कभी कभी तो भैया आप लोग खुद नहीं आते हो तो हम क्या बोलें, अब कभी कभी तो आप लोग खुद नहीं आते हो तो जान ही रहो फिर। चलिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ठीक है, फूड वर्ल्ड फूड प्राइस, ठीक है, अगर हम बात करते हैं सर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय आपसे पूछा गया जीए से क्वेश्चन, ठीक है, क्या नाम था उनका प्रांशी जी, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो आपको पता कोई बता सकता है, रोम, रोम में क्या मुख्यालय है बाबू बच्चा, ठीक है, रोम में मुख्यालय, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नंदू जी भैया स्वागत है, अरे नीति प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत अच्छा लगा आप अपना कीमती समय निकाल के आई, किसके सर, कृषि और खाद्य विकास के कारण, ठीक है, अतुल जी भैया नमस्कार, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए, प्रशांत शुक्ला सर, अच्छा, प्रशांत शुक्ला सर की, प्रशांत शुक्ला सर तो अच्छा पढ़ाते हैं वो तो सर, शायद हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, बिल्कुल, सभी लोग अपने कोमल हाथों से लाइक कर देना एक बाबू, ठीक है, कोमल हाथों से एक लाइक कर देना, हम कंटिन्यू करते हैं। बैच कोर्स की बात है तो भैया यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल बैच कोर्स,
प्रगति बैच कोर्स आपका है वो ज्वाइन करें, 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। यूपीपीएससी बैच कोर्स 4 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल जुड़े आप। लक्ष्य बैच कोर्स, सारथी बैच कोर्स, ये भी आपका 6 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। आते हैं हम लोग अगले पुरस्कार पे, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर इंटरनेशनल पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। मतलब सर ये जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है, कौन कौन है भैया? बिल्कुल भैया अर्चित जी, आपका भी स्वागत है, बड़ा अच्छा लगा। तो प्रशांत सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, चलिए बिल्कुल। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड इन इंडिया, ठीक है सर, स्पेशलाइज्ड की बात करते हैं किसके लिए? सर इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, इसके लिए। अच्छा एक बात, मैं आप मुझे ये बता दो, क्या आप तैयार हो? मैं आपको कल से, ठीक है, कल से आपकी 11 बजे मैं आपको क्लास रखना चाह रहा था, किसका? स्टैटिक का एमसीक्यूज, क्योंकि देखो थ्योरी मैंने पढ़ा दिया आपको, स्टैटिक के एमसीक्यूज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। अगर आपकी विचार हो तो कल से इसकी क्लास रखते हैं आपको, बताइए। बिल्कुल शुभम जी भैया, स्वागत है आपका, बहुत बहुत ठीक है। तो आप लोग 11 बजे अपना कीमती वक्त निकाल के 1 अगस्त से, क्योंकि कल से आपको बचेंगे मात्र 19 दिन, कल से 19 दिन बचेंगे और 19 दिन आपको बेहतर अपना देना है, ठीक है? बिल्कुल तैयार है सर, चलिए। तो कल से, कल 11 बजे, भूलिएगा मत, कल 11 बजे सभी लोग आ जाओगे स्टैटिक की क्लास में, ठीक है? 11 बजे या 12 बजे रख दे, 11 बजे ठीक है ना? राजन जी एक मिक्स की क्लास चला दें तो बोलो, तो स्टैटिक्स की मिक्स क्लास चला दे, मैराथन, कल संडे भी है, कल संडे भी है, बोलोगे तो स्टैटिक की मिक्स मैराथन चला दे कल, बताओ, डन? ठीक है, एक बार आप टाइम देख लीजिएगा, ठीक है, टाइम देख लीजिए, क्योंकि 11 बजे क्लासेस मेरी रहती है ना। बिल्कुल दीक्षा जी, ठीक है, चलिए हम देखते हैं, मैराथन कल चला दे, चलो डन। भारत रत्न की बात करते हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। मतलब ये देखो भैया, इसको आप ना मार्क कर लो, मतलब इससे महत्वपूर्ण तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, सुपर फास्ट नहीं, थोड़ा सा, हाँ मतलब सुपर फास्ट का मतलब ऐसा थोड़ी ना कि मतलब अपना सीना ही बाहर निकाल दे, मतलब चलेंगे हिसाब से, ठीक है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसका सर? भारत का। अभी एमसीक्यूज भी कराएंगे, पढ़ लो बाबू, एमसीक्यूज भी रहेगा, ठीक है, बस थोड़ी देर बाद। प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भैया अब जाहिर सी बात है भारत सरकार, ठीक है। कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए आपको दुर्लभ उपलब्धियों के लिए प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, चलिए। भारत रत्न की बात करते हैं, इंस्टीट्यूटेड इन 1974, ठीक है। भारत की अगर हम बात करें, देखो भैया भारत रत्न वैसे भी तो भारत का ही है ना, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इंस्टीट्यूटेड इन 1974, ठीक है। पहला जो प्राप्त करते थे सी राजगोपालाचारी, कल मैंने बताया था, ठीक है। मरणोपरांत किसे दिया गया था, कोई बता सकता है क्या? मरणोपरांत, हाँ बताइए, मरणोपरांत कल मैंने आपको बताया था, कोई एक व्यक्ति था जिसे दिया गया था, ठीक है। 1900 आगे मैं लिख दिया हूं, 6, बिल्कुल, लाल बहादुर शास्त्री जी, आगे मैं मान लो इतना लिख दिया हूं, अब आगे का आपको बताना है, 196, अब आप बताओगे कब, आगे की लाइन आप फिल करोगे, चलिए। कल मैंने शायद ये बताया भी था आपको, ठीक है। तो सी राजगोपालाचारी पहले थे आपके, चलिए। किसी का कमेंट अभी तक नहीं आया, किसी का नहीं आया कि कब दिया गया था मरणोपरांत पहली बार, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से सोच समझ के फटाक से सभी लोग बताएंगे, ठीक है, चलिए। ये आपको फिल करना है, बिल्कुल, तो नहीं 69 तो नहीं है, ठीक है, बिल्कुल 1966 का लमसम था, तो ये आप यहाँ पे फिल करोगे 66, ठीक है, ये आपके पेपर के मालूम, मैंने ऐसे क्वेश्चन बना दिया, बिल्कुल। तो आपके 1966-67 का वो दौर था, नहीं 66-67 का वो दौर था, ठीक है, 1966 ही मान के चलिएगा, चलिए 66-67 का वो दौर था, कल ही तो कराया था यार ये क्वेश्चन, ठीक है, 1966 का। पद्म विभूषण की बात करते हैं सर, पद्म विभूषण इज द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, बताना है आपको पद्म विभूषण क्या है सर? बिल्कुल, तो आपका हाईएस्ट क्या, सेकेंड हाईएस्ट क्या है आपका? सिविलियन अवार्ड सर, ठीक है, क्या हुआ, क्लियर है? देखो ये भैया, देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा नागरी पुरस्कार कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है, ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछा था ना, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भैया क्वेश्चन देखो किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है, किसी कोई समस्या तो मुझे बता देना,
किसी को अगर कोई भी समस्या हो तो भैया सुशांत सर से बिल्कुल आप बोल सकते हैं, कोई शर्माने की बात नहीं है, ठीक है। हाँ पांडुरंग को भैया मिला था, बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलिए पांडुरंगा को। अच्छा किसी को दिक्कत है तो मुझे बता दो भैया, आगे बढ़े। चलिए पद्म विभूषण की बात करते हैं, तो सर ये 1954 में आपको स्टार्ट किया गया था, 71 में इंदिरा जी को। बहुत अच्छे, इंदिरा जी ने तो भैया खुद ही ना, जैसा आपने बता रहे थे कि खुद इन्होंने क्या किया था, सर खुद इन्होंने बोला था कि सर, ठीक है। तो ये लाल बहादुर शास्त्री वाला क्लियर है ना भाई, देखो पहले मैं लिख दे रहा हूँ, किसी कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। मैंने जो भरा था तो यहाँ पे 6 लिख लेना, मतलब सर 1966, ठीक है। तो जिन्होंने 66 दिया था वो बिल्कुल सही है, क्लियर है। चलो चलो, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, क्या किसके चक्कर में, बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा कि सरकारी सेवा सहित आपका अगर किसी भी क्षेत्र विशिष्ट सेवाओं के लिए आपको दिया जाता है, मतलब अगर आप कहीं भी गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हो साथ साथ और भी आप योगदान दे रहे हो तो ठीक है। और भैया देखो जो चीजें बताते हैं उसको याद कहीं नोट कर लिया करो, कल हमने आपको बताया था 1966, फिर भी आप लोग गलत दे रहे थे, तो ये गलत बात है ना। अभी रात में तो पढ़ाया था मैंने, रात में 11 बजे वाली क्लास में, ठीक है। चलिए पद्म भूषण और पद्म श्री की बात करते हैं, आर द अदर इंपॉर्टेंट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। पद्म भूषण और पद्म श्री की बात करते हैं, यही पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो पहला क्या है सर, पहले कौन पाए थे सर, ये जाकिर हुसैन, बी के कृष्णा मेनन, सत्येंद्र नाथ बोस, बाबा साहब, ठीक है, सॉरी बाला साहब गंगाधर खेर एंड नंदन लाल बोस एंड जिग्मे दोर्जी वांगचुक, ठीक है। चलो ये नाम थोड़े खतरनाक है प्यारे से। पद्म भूषण की बात करते हैं भाई, पद्म विभूषण तो पढ़ लिए, अब सर जब बिल्कुल जब पद्म विभूषण पढ़ लिए तो अब बाबू पद्म भूषण भी पढ़ना होगा भैया, बिना पढ़े तो काम होगा नहीं आपका, ये तो जान ही रहे हो, ठीक है। तो सर हम लोग चर्चा करते हैं, चलिए तो आप ध्यान दीजिएगा, पद्म भूषण की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है सर, वो आपको उसके बाद है, आपको भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है, ये आपका लाइन है। ये कब, ये भी 1954 सर, और ये किसके लिए सर, फर्स्ट पर्सन अवार्डेड किसको किया गया था, होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहले किसको दिया गया था, होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। पद्मश्री की बात करते हैं, ठीक है, चलिए पद्मश्री की अगर हम बात करते हैं सर, पद्मश्री इज अवार्डेड फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, ठीक है, किसके फील्ड में सर, आर्ट्स के फील्ड में, सोशल वर्क के फील्ड में, पब्लिक आपके किसके अफेयर, साइंस एंड इंजीनियरिंग, मतलब आपके समझ लो, ठीक है, पोस्थमसली पूछा जाएगा सर, तो 2019 में नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भी भारत रत्न दिया गया था, बिल्कुल। हाँ शिवानी जी, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला, और ये क्वेश्चन मैं आपको कब कराऊंगा, जब मैं आपको ये स्टैटिक वाला पोर्शन जब कराना शुरू करूंगा ना, तो आपको करंट से भी जोड़ के एमसीक्यूज करा दिया करूंगा, ठीक है। चलिए तो कल आप तैयार रहिएगा, कल आपको स्टैटिक का मैं सोच रहा हूँ कि पारंपरिक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब स्टैटिक में सिर्फ स्टैटिक का, ठीक है, वो क्वेश्चंस कल मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा जितने भी होंगे क्वेश्चन। भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड की सर हम बात करते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड भी आपसे पूछा जाता है, बेसिकली ये पीसीएस में आता है ज्यादातर, ठीक है। इंस्टीट्यूटेड इन 1965, 1965 में स्थापित किया गया था, किसके लिए सर, रीजनल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज बाय स्कॉलर, मतलब सर किसी विद्वान द्वारा किसी मान्यता प्राप्त भाषा में विशिष्ट कार्यों के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। चल साहित्य अकादमी अवार्ड, अब ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, अगर हम बात करते हैं अवार्ड तो देखो बहुत है, कुछ लोग ऐसा, आप लोग भी काम करो कि अवार्ड आप लोगों को भी हम दिला दें, जैसे अभी कुछ लोगों को इंडियन आइडल में भेजना है, इंडियन आइडल में भी भेजना है ना कुछ लोगों को, तो हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए साहित्य अकादमी अवार्ड आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो भैया बहुत दिया जाता है, ठीक है, बहुत, मतलब सर कितने सर, अंग्रेजी साहित्य सहित 22 भाषाओं में भी ये दिया जाता है, साहित्य लिख दिया है ना, ठीक है। चलिए तो कुछ लोगों को भी इंडियन आइडल में भी भेजना है, जैसे एक अंकिता जी हैं, एक अर्चित करके हैं, ठीक है, और एक कौन है आपके, कोई और था एक, ठीक है। अब जल्दी ही सोच रहा हूँ एक मैं गाना गाऊं और आप लोगों को तक पहुंचाऊं, मैं आर के नारायण फर्स्ट विनर भी थे, बिल्कुल।
सरस्वती सम्मान की बात करते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ ये आपका देखिए, एक आपका महत्वपूर्ण ये भी है, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए तो हम अगर ये ध्यान देखते हैं आपको, सर इंस्टीट्यूट कब किया गया था, 1991 में, 1991 में, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एक गाना मैं बनाता हूँ तो आप लोग थोड़ा सा उसको देखिएगा, ठीक है, उसको देखिएगा थोड़ा सा, के बिरला फाउंडेशन, ठीक है, 1991। अगर हम बात करते किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्षों के दौरान किए गए किसी भी विशिष्ट साहित्य, मतलब कोई भी अगर भारतीय भाषा है, अगर पिछले 10 वर्ष से आप उसमें अगर एक अच्छा काम कर रहे हो विशिष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। व्यास सम्मान, ये भी आपसे अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये सब क्वेश्चन आपके लिए पीसीएस के लिए, ये जो ये सभी अवार्ड्स आपके पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आरओ के लिए, ठीक है। वीरप्पा मोइली को अभी मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है, बहुत अच्छे, कन्नड़ पोएज के लिए। चलिए बिल्कुल बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए, इंस्टीट्यूटेड इन 1922 बाई के बिरला फाउंडेशन द्वारा, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, और फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर, किसके लिए सर, बेसिकली हिंदी लिटरेचर के लिए। चलिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, अब आपको पता है ये वाला किससे पूछा जाता है, पता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये भी आपके पीसीएस में ही पूछा जाता है, ठीक है। मैं जहां जहां जो पूछा था, बिल्कुल बिल्कुल नितिन जी, इसकी पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल दूंगा, 100% दूंगा, ठीक है। हाँ ग्लोबल में थोड़ा सा होता है, साहित्य वाले तो पीसीएस में भी आते हैं ना। चलिए, तो भारतीय वैज्ञानिकों को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए शांति स्वरूप पुरस्कार दिया जाता है। क्या इतनी खराब क्लास तो नहीं है, कुछ लोग धीरे से क्या किए निकल लिए यार, मतलब इतनी खराब क्लास तो नहीं होगी यार, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए क्या हो गया, चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, क्या हुआ सालू जी, करंट का आवाज याद रहता है, अच्छा ठीक है, चलो भैया। हाँ करंट देखो भैया, जो लगा है करंट से, ठीक है। चलिए, आर डी बिरला की बात हम करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर है तो भाई बिल्कुल, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है, चिकित्सा विज्ञान मतलब मेडिकल साइंस, तो आर डी बिरला, ये आपसे पूछा जा सकता है। धनवंतरी अवार्ड, अब भाई धनवंतरी की अगर बात है तो भाई समझ जान रहे हो, धनवंतरी किससे संबंधित है सर, ये चिकित्सा विज्ञान से ही संबंधित है, ये तो बिना सोचे समझे जो दिमाग से बिल्कुल भी अगर काम जिसका नहीं कर रहा होगा वो भी बता देगा सर, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में धनवंतरी अवार्ड। ले भैया ध्यानचंद अवार्ड, ये ले भैया एक अच्छा क्वेश्चन, अब आपका खेल से संबंधित आ जाओ। चलो, ध्यानचंद अवार्ड सर स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए दिया जाता है, बस एमसीक्यूज आपके कराने वाले हैं, थोड़ी देर सब्र रख लो, थोड़ी देर बस, ठीक है। इनिशिएटेड सर 2002 में, ठीक है सर। चलिए, फर्स्ट अवार्ड सर अशोका दीवान को दिया गया था, ठीक है, साहूराज बिराजदार को दिया गया था, अपर्णा घोष को दिया गया था, ये ध्यानचंद अवार्ड है आपका। चलो, अर्जुन अवार्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्जुन अवार्ड जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, जब मैं करंट पढ़ाऊंगा एक बार लास्ट में आपको रिवाइज कराने के लिए, तो आपको सब करंट वाला भी एक बार जितने अवार्ड्स हैं सब आपको बता दूंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए, इंस्टीट्यूटेड इन 1961, ठीक है, 1961 में, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाता है भारत सरकार के, दीज आर गिवन टू स्पेशल अचीवमेंट्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, आपके स्पोर्ट्स में आपको इसको दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये एकदम रट लेना, ये आपके आयोग का पेटेंट क्वेश्चन है अर्जुन अवार्ड, भाई पेटेंट क्वेश्चन अर्जुन अवार्ड, बिल्कुल सचिन नाग को पौष्टिक में से, बिल्कुल। द्रोणाचार्य अवार्ड, ये भी आपसे पूछा था, द्रोणाचार्य का मतलब ही आप समझ सकते हो सर, कोच से संबंधित होगा, ठीक है, कोच से, जब आपको करंट वाला कराएंगे ना तो मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल परेशान इसके लिए मत होइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, क्लियर हो भैया, आगे बढ़े, बढ़ा जाए बिल्कुल प्यार से, झगड़ा झगड़ा नहीं करना है किसी को, किसी
झगड़ा वगड़ा करना तो बताओ भैया। चलो तो सर ये आपको पता है कोचेस के लिए किसमें, स्पोर्ट्स एंड गेम्स में, ठीक है, इंस्टीट्यूटेड 1985, ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए ठीक है, अगर हम बात करते हैं सर खेल प्रशिक्षकों, मतलब सर उसको कोच कहते हैं, ठीक है, खेल प्रशिक्षक को मतलब सर कोच कहा जाता है। द फर्स्ट अवार्डी आर भालचंद्र भास्कर भागवत, ठीक है, ये पहली बार अगर देखते हैं द फर्स्ट अवार्डी आर भालचंद्र भास्कर भागवत, ठीक है, ये ध्यान देना। मूर्ति देवी अवार्ड ये भी पूछा जाता है, तो भैया अवार्ड तो कुछ याद रखने पड़ेंगे, एक बार यहाँ देखो, बाकी करंट का मैं आपको ऐसे भी कराऊंगा। मूर्ति देवी अवार्ड सर फील्ड ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के फील्ड में ये दिया जाता है, बिल्कुल। ये कब शुरू किया गया था, 1983 में। पहला अवार्डी कौन था प्राप्तकर्ता, सी के नागराजा राव, ठीक है बाबू। चलिए तो मल्ल जी याद नहीं करेंगे तो मत याद करिए, पेपर आपको देना है, हमको तो देना नहीं है बाबू। चलिए चलिए, वो तो भैया जिसको जरूरत होगी वो याद करेगा, जिसको जरूरत होगी नहीं होगी नहीं याद करेगा, सिंपल सी बात है। दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करते हैं, तो सर दादा साहब फाल्के अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे लेटेस्ट हमेशा पूछा जाता है करंट का, ठीक है। तो सर उत्कृष्ट योगदान के लिए विकास और आपके सिनेमा, भारतीय सिनेमा के विकास और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए इसको दिया जाता है। 1969 से शुरू किया गया था, पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी थी, ठीक है, देविका रानी थी, ये आप एकदम याद कर लेना, ठीक है, देविका रानी ये याद करना है। राजीव गांधी खेल रत्न की अगर हम बात करते हैं सर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूटेड इन 1992, भैया बाकी कहाँ चल दिए बाबू, चलो सही किए, बढ़िया किए। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं सर तो 1992, ठीक है, किसमें सर, खिलाड़ियों द्वारा सराहनीय प्रदर्शन के लिए, सराहनीय प्रदर्शन के लिए प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। चलिए बिल्कुल गॉड दिस ईयर, बहुत अच्छा। गैलेंट्री अवार्ड की बात करते हैं, जैसे आप देखते हो कि मतलब जो आपसे इससे संबंधित आर्मी फील्ड से, ठीक है, इसे बोलते हैं आप परमवीर चक्र। सर आपको पता है इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड आपको बहादुरी के लिए जिसे कहते हो, ठीक है, तो सर ये क्या है आपके बहादुरी के लिए अगर हम अवार्ड की बात करते हैं तो ये सर आपको कौन सा हो जाता है, ठीक है, तो सर ये कहोगे परमवीर चक्र, ठीक है, बिल्कुल। स्पोर्ट्स का सब भैया ये आपको बहादुरी के लिए दिया जाता है, ठीक है। महावीर चक्र की बात करते हैं, सेकेंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है, वीर चक्र की बात करते हैं थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, बिल्कुल। अशोक चक्र की बात करते हैं पीस गैलेंट्री, मतलब ये कह सकते हो सर, ये इसको आप कह सकते हो कि सर शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, ठीक है, शांति काल। चल चलिए ये हम देखते हैं पुष्कर, आपको एक आर्किटेक्चरर आपको अवार्ड होता है, बहुत देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप नाम याद कर लो 1979, ठीक है, ठीक है। मनिका बत्रा और विनेश फोगाट को 2020 में राजीव गांधी अवार्ड मिला है। ग्रैमी अवार्ड जो कि आपके पेपर में आता भी है, ग्रैमी अवार्ड क्या है सर, देखो अभी लग रहा है ना धीरे धीरे, अभय जी भी बोले थे सर मैं क्लास में रहता हूँ, गायब दिख रहे हैं। ग्रैमी अवार्ड की बात करते हैं आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, ठीक है, इनिशिएट 1969, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो पहला रिसीवर कौन था सर, नेल ब्लू थे, ठीक है। अगर रिसीवर की बात करें तो एल्बम ऑफ द ईयर के लिए तो सर पीटर गन थे, ठीक है, सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए तो आपके नेल ब्लू ही थे, ठीक है। चलिए अब जी धीरे से देखो निकल लिए बहुत से। एबल प्राइज की अगर हम बात करते हैं सर तो एबल प्राइज गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिए एबल प्राइज 2002 में स्थापित, आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसलिए कि आपके गणित के क्षेत्र में ये दिया जाता है और गणित के क्षेत्र में और मेडिकल साइंस के क्षेत्र में इस क्वेश्चन में ही बच्चे फंसे रहते हैं, तो एबल आपका गणित से संबंधित है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। अगर पहली हम बात करें तो आपको भारतीय का तो प्रोफेसर श्रीनिवास ए आर वराधन थे, ठीक है, 2007 में, ठीक है,
चलिए इंटरनेशनल की बात करें तो आपके सेरे थे। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड की बात करते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री अगर नेशनल अवार्ड की बात करें सर, तो ये गिवन फॉर द एक्सीलेंस इन एकेडमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड इज गिवन फॉर द एक्सीलेंस इन एकेडमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। ठीक है, इनिशिएटेड इन 2000। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट अवार्डी के सी प्रहलाद, ब्रिलियंट के लिए ग्रैमी दिया ए आर रहमान को भी मिला था। बिल्कुल शिवानी जी, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। भैया संगीत नाटक भी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है संगीत नाटक। अच्छा, इसका मैंने आपको याद होगा पेट में क्वेश्चन भी पूछा गया था संगीत नाटक अकादमी का, आपको कहाँ पे वो है, कहाँ पे संगीत नाटक अकादमी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, ये 1951 कहाँ पे से स्थापित किया गया था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये प्रदर्शन कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पेट में क्वेश्चन आपको मैंने ये कराया था जब मैं करा रहा था। ठीक है, आपको पता है? नहीं, राजन जी फिर से एक बार सोचिएगा। बिल्कुल नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। आपको याद होगा राजन जी, आपने भी स्पेशल क्लास में ये गलत किया था उस समय भी, तो थोड़ा सा अपडेट रखिए। संगीत नाटक अकादमी आपको कहाँ है, आपको याद है क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इनमें से कौन सा जिसका आपको, जो लखनऊ में नहीं है, तो आपको संगीत नाटक अकादमी थी जिसका जवाब था नई दिल्ली। ठीक है, चलिए। फर्स्ट अवार्डी वर अलाउद्दीन खान इन म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तानी सरोद। ठीक है, साध जी धीरे से निकल लिए हैं क्या आप? ये लो आपका जबरदस्त वाला, अब क्वेश्चन जबरदस्त वाला क्वेश्चन अब हम उठाते हैं। ठीक है, बताओ तैयार हो सभी? चलो तो पहला क्वेश्चन ही बता दो। चलिए पहला क्वेश्चन बता दो मुझे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अब आपको सभी को जबरदस्त तरीके से अब लगना है। चलिए, तो आपको मैंने अभी बताया था सर, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है सर? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर है? डन। चलो अब आपको तैयार हो रहा होगा। चलिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? ये वाला फॉर्मेट थोड़ा अच्छा नहीं है ना, वो थोड़ा बार बार वो मूव कर रहा है तो दिक्कत हो रही होगी आपको। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, क्या सभी कहा गया है? भैया ए, भैया भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा था, ये ले भैया। बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। अभी बाबू पीछे अभी क्या पढ़े थे, रुको थोड़ा, तो पीछे क्या पढ़े थे अभी, साहित्य के क्षेत्र में ना, तो मतलब जब साहित्य के क्षेत्र में पढ़े हो तो भैया इसका कैसे जवाब बदल दिया आपने, मतलब कैसे जवाब बदल दिया? जिन्होंने सी दिया है जैसे दीक्षा जी, नितिन जी, मीनू जी एंड सालू जी, राजन जी, अर्चित जी, अर्चित जी पहले तो ए दिए थे भाई, अर्चित जी तो पहले ए दिए थे, तो इनकी कहानी खत्म चल रही है। भैया किसके लिए सर? तो सर हमने दिया था किसके लिए, भारतीय भाषाओं में साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के प्रोत्साहन हेतु। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकारों को प्रदान की जाती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत, अर्चित जी नींद में क्या, देखो देखो धीरे धीरे नींद में रहते रहते कहानी ना खत्म हो जाए भाई। ठीक है, चलो सोच समझ के जवाब दीजिएगा, कुछ मुझे पता है आप तैयारी कुछ लोगों की थोड़ा सा कंफ्यूजन में होंगे। ठीक है, देखे थोड़ा सा कमेंट से देख ले आपके, बहुत अच्छे। तो जिन्होंने दे रहे, जो ए दे रहे हैं उनकी कहानी खत्म है मानो, थोड़ा सा एक बार आप देख लो फिर से। भैया 11 लाख रुपए हैं बाबू, ठीक है 11 लाख रुपए हैं, 11 लाख रुपए हैं, फिर से एक बार उठा के देख लेना आप। ठीक है, 11 लाख रुपए के दिए जाते। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? चलो भाई 11 लाख है भैया, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है ये बता दो थोड़ा सा। अब आपको देखो, अब मुझे, अब आपसे ये पता चलेगा कि आपका आईक्यू कितना काम कर रहा है, आईक्यू आपका कितना काम करता है, अभी पढ़ी हुई चीजें आप कितना देर रख सकते हो। अच्छा, बहुत अच्छे। और कोई, और कोई? सभी दे रहे 61 से। अच्छा
और कोई? बिल्कुल, दीक्षा जी का तो सही आ रहा है, और किसी का? बिल्कुल भैया, इसी तरह दिमाग में बैठा होगे, 1965 से दिया जा रहा है, अभी तो हमने पढ़ाया था यार इसको। चलिए, विशाल जी का भी सही है, शिवानी जी का भी सही। कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? कौन सा सिर्फ और सिर्फ साहित्य से संबंधित है, सिर्फ और सिर्फ? हाँ, ये भी क्वेश्चन आया था, मुझे याद आ गया, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये आपके पीसीएस का क्वेश्चन है, ये आपके पीसीएस से पूछा जा चुका है। बिल्कुल, सिर्फ सर आपके ज्ञानपीठ है जो साहित्य से संबंधित है, पुलित्जर तो सर आपके साहित्य भी है, ठीक है, जर्नलिज्म भी है, और कोई तीसरा बता सकता है क्या? चलिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे, मतलब आज आपको ज्ञानपीठ हम रटवा ही देंगे पूरा। बिल्कुल, बहुत अच्छे, ठीक है। तो सर ये किसके लिए? यार आप लोग मतलब कुछ भी दे रहे हो ना भैया, ये आपके मलयालम है बाबू, मलयालम में कन्नड़ कौन बोला है, मतलब पता था आपको कि मतलब ऐसे तुक्का मार दे रहे हो? अच्छा, पता है कि तुक्का मार रहे हो, बस इतना बता दे रहा हूँ, जब पता है कि तुक्का मार रहे हो, बताइए भैया मलयालम। अरे पीके जी स्वागत है भैया, कहाँ थे बाबू इतना देर, ठीक है। चलिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार, बहुत अच्छे मीनू जी, वेरी गुड। सभी को पता है सर, जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप, ठीक है, ये एकदम रट जाना, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? ले भैया आप बताओ, प्रथम हिंदी लेखक। अच्छा बिल्कुल पीके जी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। ठीक है, बिल्कुल, ये ध्यान, देखो गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ठीक है। ये क्या है सर? सर आपके एक ही नाम आता है, सुमित्रा नंदन पंथ का, सुमित्रा नंदन पंथ का, बिल्कुल मलय जी, बहुत अच्छे। क्या भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम बताना है, प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार है बताना, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन है, बताइए। अब आपका जवाब सही आ रहा होगा, बहुत बहुत से लोगों का, ठीक है। बिल्कुल पीके जी, आपका भी सही था, चलिए देखते, अब आपका देखो सही आ गया होगा। अब आपसे दो कॉन्सेप्ट हुए, महिला अगर पूछ देगा तब आप बताओगे महादेवी वर्मा, ठीक है। भैया महादेवी वर्मा नाम है यार, सी कहाँ ही दे रहे हो यार, मतलब समझ नहीं पाता आप लोग पढ़, मतलब कैसे पढ़ रहे हो, मतलब कहाँ से पढ़ो, थोड़ा सा मुझे बताना आप लोग, क्योंकि हम देख रहे हैं आप लोग की कहानी जो है, ठीक है, मतलब कहाँ से पढ़ रहे हो, थोड़ा सा मुझे भी बता दो, थोड़ा सा मैं भी आप जान जाऊं कि भैया मेरे बच्चे जो है, ठीक है, कैसे? मैं तो महादेवी वर्मा जानता हूं भैया, आप लोग कैसे जानते हो, थोड़ा सा मुझे बताना। मेरे हिसाब से महादेवी वर्मा है, थोड़ा सा आप एक बार फिर से देखें, ठीक है, क्लियर, आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए, ये महादेवी वर्मा है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है, ये बिल्कुल एकदम 100% क्लियर है। हाँ बिल्कुल नितिन जी, मैंने आपका देखा भी था, बिल्कुल ठीक है, महादेवी वर्मा है, ठीक है। चलिए, कहानी सबकी खत्म चल रही है, बस चलते रहो जिस तरह चल सकते हो, बिल्कुल। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, बताइए।
बहुत अच्छे सर, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब देखो आपसे 10 क्वेश्चन मेरे हिसाब से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के, अब आप गलत नहीं करोगे उम्मीद करता हूं मैं आपसे। चलिए बताइए, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए, अब देखो फिर क्वेश्चन वही आया, मतलब आज मैं आपको ज्यादा नहीं कराऊंगा, आपको सेलेक्टेड कराऊंगा और आप एक ही टॉपिक, क्योंकि देखो थ्योरी मैंने आपको सब पढ़ा दिया। हाँ आज आप ज्ञानपीठ को पूरी तरीके से आपको निचोड़ देंगे, इसी तरह आपको धीरे धीरे एक एक टॉपिक को धीरे धीरे निचोड़ते रहेंगे सर, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है लो, ये देखो नीति जी का, नीति जी मतलब थोड़ा सा अलग दुनिया में चल रही है क्या, लेकिन शिवानी जी जैसा कि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था उसमें आपको दिखा रहा है महादेवी वर्मा, क्योंकि ये पेपर में आ चुका है। चलिए हाँ बिल्कुल, तो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है एक बार आप करिएगा उसको क्वेश्चन मार्क, ना तो लगा लीजिएगा आप। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली महिला कौन थी? अच्छा अब बताओ। अच्छा ठीक है रुकिए, मुझे लगता है पिछले क्वेश्चन में कुछ इशू है, वेट 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 वेट। अरे यार आप ये क्वेश्चन तो पढ़ो भैया, ये क्वेश्चन पढ़िए पहले, रुकिए सुनिए। नहीं ये सही है, महिला हिंदी साहित्यकार आपसे पूछा है, क्वेश्चन तो पढ़ा आपने कहीं? ठीक है ये आपने लाइन पढ़ा है हिंदी साहित्यकार, ठीक है चलिए हिंदी साहित्यकार। और अगला क्वेश्चन अब थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है ये लो आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है अब आपको क्लियर हुआ, अब आज आपका ज्ञानपीठ आज हम निचोड़ ही देंगे। ठीक है बताइए अब क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे पहले ये बताओ, मुझे जल्दी से क्लियर बताइए अब हुआ कि नहीं, तो आज आपको ज्ञानपीठ पूरा निचोड़ दिया जाएगा। ठीक है चलिए, तो अब किसी को कोई डाउट है तो बताइए, देखो भैया कंफ्यूजन किसी को नहीं होने देंगे, पूरा क्लियर करेंगे। तो ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली महिला हिंदी साहित्यकार तो बोला नहीं है, क्लियर हो गया? चलिए क्रिस्टल क्लियर है, तो अब आपसे चलिए एक थोड़ा सा मैं थ्योरी भी यहां पे लिख दूं। अगर आपसे पूछेगा महिला, तो महिला में आप क्या लगाओगे? आशा पूरा। अब क्लियर है, महिला में आशा पूरा लगाओगे, लेकिन जैसे ही पूछेगा हिंदी साहित्यकार महिला, ठीक है हिंदी साहित्यकार महिला, ठीक है हिंदी वाली महिला, तब आप लगाओगे क्या सर? आप लगाओगे तुरंत महादेवी वर्मा। अब देखो यहां से अगर क्लियर नहीं रहता तो पेपर में आप गलत करके आते हमेशा ना। चलिए तो इसीलिए कहते हैं जो बिल्कुल बंगाली राइटर है, बिल्कुल जो तैयारी लगातार करेगा वो चीजें उसकी हमेशा सुधरेंगी, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, पढ़ते पढ़ते। ठीक है आपने सुना है ना, होनहार बिरवान के जड़मत हो तो सुजान। बिल्कुल बिल्कुल शिवानी जी कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। देखो आप ही को नहीं, क्या होता है कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जैसे आप लोग पढ़े हो आपके दिमाग में वही चल रहा है। ठीक है तो ये चीजें होती हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस, देखो इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज का। चलिए बताइए, ये ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता था? सर सिंधी भाषा के लिए नहीं दिया जाता था। किसी का जवाब नहीं आया भाई मेरे पास अभी तक, किसी का जवाब नहीं आया इसका, भाई आपके जवाब नहीं आए। ठीक है बस एक लोगों का जवाब आ रहा, आप तीन चार आ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर रावुरी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए, मुझे लगता है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार हम क्लियर ही करा देंगे आज, मुझे लगता है बस आपका ज्ञानपीठ ही हो पाएगा। ठीक है चलिए ये आप ध्यान दीजिएगा, सर ये आपके किसके लिए? सर तेलुगु के लिए, तेलुगु के लिए। अरे यार कन्नड़ काहे मारते हो यार। ठीक है बिल्कुल तेलुगु, मीनू जी का सही है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सरस्वती सम्मान ये मैंने आपको बताया था, अच्छे से बताया था, सरस्वती सम्मान किसके लिए आप देते हो? अच्छा क्या ये बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है क्या? ठीक है ये आपका क्या है,
साहित्य, ठीक है, ये आपका साहित्य है, ठीक है, चलिए बिल्कुल। आकांक्षा श्रीवास्तव जी स्वागत है। भैया किसी ने बताया नहीं ये किस फाउंडेशन द्वारा आपका दिया जा रहा है, थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो बिरला फाउंडेशन, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके पीसीए से पूछा गया था कि किस फाउंडेशन द्वारा आपको सरस्वती सम्मान दिया जाता है, ठीक है, ऐसा पूछा गया था। हाँ बिल्कुल, तभी मुझे याद है, 15 लाख, बहुत अच्छे। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? आज आपको जो क्लास में मैंने थ्योरी तो आपको सभी करा दिया, देख लीजिएगा, मान के चलिए आज आपका ज्ञानपीठ एंड सरस्वती, ये दोनों मैं आपको करा दिया, ठीक है, ज्ञानपीठ और सरस्वती, हरिवंश राय बच्चन, बिल्कुल, ये ध्यान दीजिएगा सर, सरस्वती सम्मान प्राप्त आपके हरिवंश राय बच्चन थे, ठीक है, बिल्कुल। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? पुरस्कार में ना, अगर आपको एक एक पुरस्कार का छोटा छोटा क्लिप बना के दे दिया जाए, वीडियो बना के दे दिया जाए, तो कैसा रहेगा? अगर मान लीजिए पुरस्कार में आपको मैं अगर एक छोटा छोटा वीडियो बना दूं, अर्जुन अर्जुन अवार्ड, सिर्फ एक दिन लिख दूं, अर्जुन अवार्ड किसको किसको दिया गया है, द्रोणाचार्य वाले किसको किसको दिया गया, तो बड़ा बढ़िया रहेगा ना, तो आपको रट भी जाएगा एकदम, तो मुझे लगता है। चलिए, तो सरस्वती सम्मान, सर ठीक है, सरस्वती सम्मान क्लियर है। चलिए, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, बताइए। ठीक है, चलिए बताइए, ठीक है, बिल्कुल। हाँ ये ध्यान दीजिएगा सर, तानसेन सम्मान की अगर हम बात करते हैं तो सर मध्य प्रदेश है, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं के लिए दिया जाता है? और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर टोटल तो आपके कितने हो गए, 23, एक आपके अंग्रेजी हो गया, 22 भाषा हो गई आपकी, अनुसूची कितनी है, 8वीं अनुसूची है क्या, जयंती है आज, अच्छा मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती आज, अच्छा बिल्कुल, मैं अभी आज लम्ही चला जाता हूँ, अभी आज मैं लम्ही चला जाता हूँ, ठीक है, बगल में ही तो है हमारे, तो अभी उठेंगे, अभी आपको पढ़ा के निकल जाएंगे, लम्ही थोड़ा सा जाए देखो खाएं, ठीक है। चलिए, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? भाई ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बिल्कुल 8वीं अनुसूची, बिल्कुल। ब्लेड गेमिंग जी, भैया आप वहां तो नहीं जा पाएंगे, बगल में हमारे हैं मुंशी प्रेमचंद जी का घर है, तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है। ये आपका क्या है सर, ये आपका पत्रकारिता, ठीक है, चलिए। हाँ मेरे यहाँ से होगा 2 किलोमीटर। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, बताइए। 25 क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है, 25 क्वेश्चन, बिल्कुल बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, क्या हुआ दीक्षा जी? तो सर पुलित्जर पुरस्कार सर धर्म के प्रगति के लिए थोड़ी दिया जाता है, ये यही तो गलत हो गया आपका, ठीक है, चलिए। अरे अभय जी भैया बीच में नाश्ता पानी करने चले गए थे क्या? किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए भी मान्यता दी जाती है? विज्ञान प्रौद्योगिकी, साहित्य और पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ, पर्यावरण अध्ययन। हरविंद सिंह जी भैया स्वागत है आपका, वेरी गुड, अच्छा नाश्ता पानी के लिए गए थे, बहुत अच्छे। लाइब्रेरी तो बहुत अच्छी है, सोच रहा हूँ वहां जाके 2-3 किताब ला के वही पढ़ा करूं, ठीक है, थोड़ा सा कुछ किताबें पढ़ा जाए, बिल्कुल। तो आप कहोगे सर किस क्षेत्र में पुरस्कार के लिए, देखो अब आप बिल्कुल सर, साहित्य पत्रकारिता और तीसरा कौन सा है, कोई बता सकता है क्या? साहित्य हो गया, पत्रकारिता हो गया, तीसरा कौन सा है, ठीक है, 1992 व्यास सम्मान के लिए शुरू किया गया था,
हाँ तो लेकिन सरस्वती सम्मान भी तो आपको दिया जाता है दीक्षा जी, सरस्वती सम्मान भी तो इसी के लिए दिया जाता है, सरस्वती पुरस्कार। ठीक है चलिए, और तीसरा संगीत, बहुत अच्छी। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? बिल्कुल तीसरा, म्यूजिक के लिए। बिल्कुल अगर हम व्यास सम्मान की बात करें सर, साहित्य के क्षेत्र, ठीक है सर, साहित्य के क्षेत्र, ठीक है चल। बिल्कुल थ्योरी में आपने पढ़ लिया सब कुछ। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? अच्छा उपन्यास के लिए दिया जाता, बताइए कौन सा उपन्यास के लिए भैया दिया जा रहा, थोड़ा बताओ। अभी मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था, जब मैंने बता रहा था ये भी बिरला फाउंडेशन से। बिल्कुल आपको पता है ये सर बुकर पुरस्कार होता है, ये बुकर पुरस्कार होता है सर। ठीक है निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? अच्छा बताओ किसे नहीं मिला है भाई। अब देखो ऐसा क्वेश्चन जानते हो कहाँ आता है, हकीकत अगर हम बताएं तो ऐसा क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछा जाता है, ये खतरनाक क्वेश्चन, ये आपके रेलवे में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब आप वहीं पे जो है धराशाही हो जाओ, इतना किसको याद रहता है भाई। ठीक है विक्रम सेठी को, विक्रम सेठी को नहीं मिला है, ठीक है ये चीजें आप याद। ठीक है चलिए, तो आपको ये कंप्लीट मैं कराता हूँ 25 क्वेश्चन। फिर मिलेंगे कब हम लोग? हम लोग फिर मिलते हैं कब? बस हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। आपके देखो पैर जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको ये कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है बिल्कुल, तो हम लोग मिलते हैं फिर कल। देखिए कल आप लोग एक बार देख लीजिएगा, 11 बजे अगर मेरी शेड्यूल रहेगी तो आप देख लीजिएगा, कल 11 बजे मैं आपको स्टैटिक जीके के मिक्स क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। ठीक है 1997 में मिला था। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। बिल्कुल यूपीपीएससी, लोअर पीसीएस, आरओएआरओ, यूपीएसआई, यूपीटीपीएससी, लेखपाल, बीईओ ऑप्शनल कोर्स। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक चीज थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, रात में 10 बजे वाली क्लास, आपको पेट का मॉक टेस्ट है तो वो बिल्कुल दीजिए जीएस का, ठीक है जीएस करंट एंड स्टैटिक, तो अपने आप को थोड़ा सा आकिएगा। हाँ 10 बजे रात में मिला जाएगा। बिल्कुल ये देख सकते हैं प्राइस हाइक हो रही है, तो बिल्कुल आप भैया सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ले लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो भैया, ये आप देखते हो ना जो आपकी फीस है 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने और 3 महीने की, जैसे ही आप कोड ये यूज करते हो सुशांत01, ये आपको 10% ऑफ हो जाती है फीस। ठीक है 10% ऑफ हो जाती है और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है वो आपके यूट्यूब पे ही चलाएंगे, यहीं पे चलाएंगे, थोड़ा सा बस एक हमारा डिजिटल बोर्ड सेटअप हो जाए उसके बाद। ठीक है 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है, ये बिल्कुल आप ले लीजिएगा, ले सकते हैं। ठीक है बक्स बाउंटी की बात करते हैं, तो जिसको कोई समस्या है यहाँ पे मैसेज डाल सकता है। सभी लोग कृपया लाइक कर दें, ठीक है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है चलिए फिर मिलते हैं हम लोग आज रात 10 बजे। ठीक है मैं लिख देता हूँ आज रात 10 बजे। ठीक है चलिए ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू टू ऑल। ठीक है हैव अ नाइस डे, थैंक यू।